हेलो 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 नमस्कार प्यारे साथियों मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदक पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत शानदार होंगे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो आ जाओ भाई शिवम यादव सूरज चौहान सागर प्रजापति अंश खान शिवम कुमार आर्मी महेंद्र विवेक पांडे शिवम कुमार सागर प्रजापति मनोज सागर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर आ जाएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएंगे क्लास में ठीक है भाई तो बहुत शानदार तरीके से बहुत शानदार तरीके से आ जाइए आप लोग आज की क्लास में देख रहे होंगे टॉपिक अक्षर श्रृंखला होने वाला है यानी अल्फाबेट वाले हम अक्षरों वाली श्रृंखला को पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से इसे पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है नो no डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे ध्यान से समझेंगे अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं कि किस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनता है क्या क्या एक मिनट रुकेंगे बस एक मिनट चलो तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों की बात करते हैं तो मेरे दोस्त ये पहला क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू आपको निश्चित रूप से याद होनी ही चाहिए अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वही वाली बात है कि आप लोगों को बताना है कि भाई आंसर क्या आएगा तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है लॉजिक भी और जल्दी से कोशिश करके बताओ कि आंसर क्या है तो जल्दी से बताएंगे नाम आज नहीं लिए जाएंगे किसी के भी आज आप केवल आंसर करने पर आ, फोकस करेंगे डब्ल्यू एल डी आंसर विवेक पांडे का आया सबसे पहले यानी आज भी शुरुआत इन्होंने की है और कल भी सबसे ज्यादा बार इन्होंने ही सही किए थे क्वेश्चन। बाकी शक्ति सिंह एच आर जे हैं हमारे सामने नितिन शिरोही हैं, रवि चौधरी हैं, आशु यादव हैं। तो जल्दी से बताओ एक बार क्या होगा सवाल का जवाब बताओ जल्दी से क्या होगा सवाल का जवाब तो यहां पर देखो C कितने पर है तीन पर है H कितने पर है आठ पर है M तेरह पर है R अठारह पर है ध्यान से समझो तो यहां ध्यान से समझना मैंने कहा तीन आठ अठारह तेरह अठारह तो पांच पांच प्लस हो रहा है तीन पांच आठ पांच तेरह पांच अठारह और अठारह पांच तेईस एंड तेईस पर क्या आता है W आता है प्लेस वैल्यू सबसे बड़ा खेल है अब दूसरे लेटर को देखो दूसरा क्या है तो यहां देखो x चौबीस पर u इक्कीस पर r अठारह पर o पंद्रह पर तो चौबीस इक्कीस अठारह पंद्रह तीन तीन कम हो रहा है तो पंद्रह में से तीन कम करूंगा तो बारह पर क्या आ जाएगा l आ जाएगा बोलो बारह पर क्या आ जाएगा l आ जाएगा बात बराबर है सर यहां देखो b दो पर है सर b दो पर है और अगर देखूं मैं तो आई नौ पर है पी सोलह पर है W तेईस पर है सर इसमें कितना प्लस है दो सात नौ सात सोलह सात तेईस ठीक है भाई बताओ जल्दी हां भाई तो मुझे एक बात बताओ कि दो सात नौ सात सोलह सात तेईस और तेईस सात तीस आएगा तीस का मतलब होता है छब्बीस से चार ज्यादा तो यानी कि यह होगा WLD एल डी क्या होगा WLD एल डी होगा तो जवाब क्या होगा WLD एल डी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी अंकित तिवारी कह रहे हैं सर जी वीडियो का एग्जाम कब कब तक हो सकता है प्लीज बताओ भाई जल्दी ही होगा आप अपनी तैयारी मजबूत रखो आप अपनी तैयारी जो है उसे बहुत मजबूत रखो एग्जाम जल्दी होगा जब भी होगा आपको पता चल ही जाएगा लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज की क्लास का दूसरा सवाल बताएंगे इसका जवाब क्या है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा शिवानी चौधरी प्रणाम नरेश कुमार संध्या नागर चंदन सिंह नितिन श्रोही महेंद्र विष्णुकांत साहू आ जाओ जल्दी बताओ इसका आंसर तो ये कितना है टी कितने पर बीस पर जेड कितने पर छब्बीस पर छब्बीस का तो मतलब एक भी हो जाता है एप कितने पर छह पर एल कितने पर बारह पर तो, तो बीस से छब्बीस छह प्लस एक से छह प्लस अच्छा जेड का मतलब तो जीरो होता है जेड का मतलब जीरो तो जीरो से छ प्लस छह से बारह छह प्लस अब बारह में छह जोड़ दो तो बारह और छ अठारह एंड अठारह पर क्या होगा आर होगा बात बराबर है अठारह पर क्या हो जाएगा अठारह पर आर हो जाएगा आगे की चीजों को चेक करेंगे तो यू कितने पर इक्कीस पर ए कितने पर सत्ताईस पर सत्ताइस का मतलब एक भी होता है जी सात पर एम तेरह पर सर यहां भी छह छह प्लस है इक्कीस छह सत्ताईस एक छ सात छह तेरह तेरह छह उन्नीस और उन्नीस पर क्या आएगा उन्नीस पर एस आएगा यानी आर के बाद जो आता है वो एस आता है बात को ध्यान से समझो और एक होशियार विद्यार्थी वही होता है जिसे बहुत तगड़े तगड़े खेल पसंद है कैसे जब मुझे बताओ कि आर से मेरा ऑप्शन शुरू हो रहा था तो आर से तो बस एक ही ऑप्शन शुरू था तो मुझे दुनिया में जाने की जरूरत ही नहीं थी मुझे क्यों देखना था पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मैं तो डायरेक्ट कह देता कि भाई आर से शुरू हो रहा है तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाता लेकिन चलो पूरा कर रहे हैं तो पूरा ही सही क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट भी समझने तो यहां देखो W कितने पर 23 पर C कितने पर 29 पर 29 का मतलब तीन 26 से तीन ज्यादा ही तो है तो यहां देखो I नौ पर और O पंद्रह पर यहां छह छह प्लस है तेईस छतीस तीन 6 नौ नौ छ पंद्रह देन पंद्रह और छह इक्कीस हो जाएगा और इक्कीस का मतलब U हो जाएगा तो R S U आंसर होगा बात आई समझ में यानी R S U ऑप्शन नंबर B आप केवल R देखते ही आंसर बता सकते थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बॉबी सिंह कह रहे हैं सर आप कहाँ थे बहुत दिनों में मिले हो बॉबी <laughs> सिंह हमारी पहले मुलाकात कहां हुई थी ये बताओ फिर मैं बताऊंगा कि भाई उसके बाद में कहाँ गायब हो गया तुम्हें लगता है मैं गायब हो गया मेरे दोस्त मेरे दोस्त मैं लगातार डेली क्लास लेता हूं मेरे दोस्त ही गायब हो गए थे तुम ही गायब हो गए थे है चलो तो मैं तो डेली क्लास लेता हूं तुम पता नहीं कहाँ रह गए है? मैं तो डेली क्लास लेता हूं और यूं कह रहे हैं जी कि कहां रह गए बहुत दिन में मिले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बताओ इसका जवाब जल्दी से जल्दी से बताएंगे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इसका जल्दी से बताओ एक बार कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा बताओ ये जल्दी से जल्दी से बताओ क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा तो यहां पर देखो एन कितने पर चौदह पर क्यू सत्रह बेटा ये बहुत आसान चैप्टर होता है बहुत आसान होता है बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और ये देखना है बस कितना कितना बढ़ रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं तो चौदह सत्रह इक्कीस छब्बीस देखो ध्यान से पहले चौदह से सत्रह तीन प्लस फिर सत्रह से इक्कीस चार प्लस फिर इक्कीस से छब्बीस पांच प्लस तो अब छह प्लस होगा तो 26 छ बत्तीस का मतलब 26 से छह ज्यादा तो छह और छह नंबर पर एफ आएगा होशियार विद्यार्थी के क्या लक्षण है एफ से एक ही शुरू हो रहा है ऑप्शन सी एफ से एक ही शुरू हो रहा है ऑप्शन सी बस यही तो लक्षण है फिर भी किस तरीके से आगे देखना तो ओ कितने पर पंद्रह पर आर अठारह पर वी बाईस पर ए सत्ताईस पर यानी कि एक पर तो पंद्रह तीन अट्ठारह चार बाईस पांच सत्ताईस अब एक जोड़ दो तो एक और सात और सात पर क्या होगा जी तो एफ जी ही तो कंप्लीट आंसर होगा यानी कि ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है भाई चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवानी चौधरी कह रही है होशियार नहीं क्लेवर बोलते हैं इसे हां ये बात भी सही है भाई देखो विद्यार्थी को थोड़ा सा क्लेवर भी होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन के दौर में अगर आपको इतनी भीड़ से आगे निकलना है तो इसका मतलब यही है कि आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा है ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा नेक्स्ट चौथा सवाल आज की क्लास का बताओ इसका जवाब जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताओ जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा चौथा क्वेश्चन आज का आपके सामने है और इसमें टोटल लेटर चार चार लेटर हैं टोटल लेटर जो है वो चार चार लेटर हैं तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा बहुत बढ़िया सागर प्रजापति प्रणाम भैया देखो ध्यान से यहां बी की बात करूं तो दो पर डी की बात करूं चार पर एफ की बात करूं छह पर तो आठ नंबर पर कौन आएगा अब एच आएगा यहां देखो E5 पर G7 सात पर I9 नौ पर तो अब ग्यारह नंबर पर K आएगा बहुत सुंदर A1 एक पर C3 तीन पर E5 पर तो सात नंबर पर अब G आएगा सर G7 सात पर I9 नौ पर के ग्यारह पर तो तेरह नंबर पर अब M आएगा यानी H K G M एच के जी एम ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी चलें भाई पांचवें क्वेश्चन पर बहुत बढ़िया ए टू जेड लवर कह रहे हैं सर आपका बर्थडे कब है? है गिफ्ट लेके आए हो मेरे लिए मेरे दोस्त बर्थडे तो अभी निकल गया सात अगस्त को आता है वो निकल गया ठीक है अब अगली साल आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा सवाल बताओ जल्दी से पांचवा सवाल बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा जल्दी से बता दो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे भाई लगभग लगभग आज की क्लास में हम कितने क्वेश्चन करेंगे एक मिनट बता देता हूं लगभग पच्चीस छब्बीस क्वेश्चन है जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब आज की क्लास खत्म हो जाएगी क्योंकि छोटा टॉपिक है तो इसमें कोई आपको खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए सही है लाइक जरूर कर दो क्लास को लाइक जिसने नहीं किया है यहां आएगा टी कितने पर बीस पर ओ कितने पर पंद्रह पर के ग्यारह पर एफ छह पर लॉजिक ढूंढो तो बीस से पंद्रह पांच कम पंद्रह से ग्यारह चार कम ग्यारह से छह फिर पांच कम तो फिर से चार कम कर दो तो छह में से चार गए तो दो और दो नंबर पर कौन आता है दो नंबर पर बी आता है ऑप्शन नंबर बी पर तो बी ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर दो पर तो बी ही दिखाई दे रहा है उम्मीद करता हूं सवाल आपका क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बॉबी सिंह कह रहे हैं सर आप मेरे बहुत बहुत प्यारे टीचर हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस टीचर की स्पेलिंग सही लिख लें बाकी सब ठीक है बाकी सब ठीक है बस टीचर की स्पेलिंग सही लिख लें और प्यारे की सही लिख लें प्यारे की सही लिखे है मत लिखे पर टीचर की ठीक लिख लें बाकी तो बहुत बढ़िया है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा जल्दी से बता दो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा छठा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बताओ एक बार जल्दी से लगाओ लॉजिक लगाओ लॉजिक जल्दी से अब से एक सिंह मैंने कहा था क्लास बेटा हो भी सकती है नहीं भी 99 नहीं होगी एक परसेंट एक परसेंट भी तो कभी कभी हावी हो जाता है इस वजह से क्लास ले रहा हूं बच्चे क्योंकि क्योंकि छुट्टी करूंगा ज्यादा तो फिर आपका सिलेबस भी तो देखना है इसलिए आपकी क्लास आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे है ना वर्णमाला अक्षर वाले को जल्दी से बताओ तो यहां देखो ए एक पर ई पांच पर जे दस पर पी सोलह पर लौगाओ लॉजिक एक से पांच चार प्लस पांच से दस पांच प्लस दस से सोलह छ प्लस अब सात प्लस करो तो सोलह और सात तेईस होगा और तेईस पर W होगा सोलह और सात तेईस होगा तेईस पर W हो जाएगा आगे बाकी तो सब W सही है ठीक है यहां देखो D चार पर I नौ पर N चौदह पर S उन्नीस पर तो चार से नौ पांच प्लस नौ से चौदह पांच प्लस चौदह से उन्नीस पांच प्लस हर बार पांच प्लस है तो यानी कहने का मतलब उन्नीस और 24, 24 पर क्या आएगा x तो डब्ल्यू एक्स आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपके सवाल का ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ठीक है भैया अगले सवाल पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है सभी प्यारे प्यारे दोस्त सभी प्यारे भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई कमेंट करके सर एसएससी जीडी में कब नंबर आ रहा है टेस्ट में क्या करूं कम नंबर आ रहे हैं टेस्ट में एसएससी जीडी में कम नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो भाई प्रैक्टिस से ही आएंगे नंबर है ना ये देखो कि किस चैप्टर में कम नंबर आ रहे हैं फिर उसी की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा ठीक है ये सबसे अच्छी बात होती है देखो भाई ध्यान से तो p कितने पर 16 पर r कितने पर 18 पर t कितने पर 20 पर v 22 पर तो अब 22 और दो 24 24 पर x आ गया आगे चलो आगे देखते हैं तो o 15 पर q 17 पर s 19 पर स पर दो दो प्लस हो रहा है भाई पंद्रह दो सत्रह दो उन्नीस दो इक्कीस और इक्कीस और दो कितना इक्कीस और दो तेईस तेईस पर क्या डब्लू नेक्स्ट तीसरा वाला एन चौदह पर पी सोलह पर आर अठारह पर टी बीस पर तो टी के बाद बीस और दो बाईस बाईस पर क्या वी यानी एक्स डब्ल्यू वी एक्स डब्ल्यू वी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी एक्स डब्ल्यू वी आंसर बनेगा उम्मीद कर सकता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी ठीक है भाई चलो बहुत बढ़िया कितने लोगों ने अब तक सभी के सभी क्वेश्चन ठीक किए हैं ऐसे कितने लोग हैं इस क्लास में अब तक जिन्होंने सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक किया है वो भी बहुत बढ़िया स्पीड से बताओ भाई जल्दी से डॉक्टर शिवानी चौधरी चंदन सिंह तेजेश पटेल संध्या नागर अंजलि शिवानी महेंद्र विपिन सिंह शिवम विवेक राजपूत आकाश सुमन यादव प्रीति शर्मा सूरज कल्याण विपिन नितिन राजमणि बॉबी सिंह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया निशा तिवारी ज्योतिगिरी कल्याण तेजेश शक्ति सिंह प्रतीक्षा बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आठवां जल्दी से बताओ जवाब जल्दी से बताओ जवाब क्या होगा इस प्रश्न का जल्दी से बताओ क्या होगा जवाब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ सभी के सभी लेटर छोटे छोटे लेटर हैं सभी के सभी लेटर छोटे छोटे लेटर हैं तो बता दो क्या जवाब होगा बताओ भाई देखो तो मैंने कहा ए एक पर सी तीन पर ई पांच पर तो अब क्या होगा एक दो तीन दो पांच और दो सात एंड सात नंबर पर जी होगा एंड सात नंबर पर जी होगा बहुत बढ़िया नीचे करना एक बार आ, सर जी आपसे निवेदन है भैया कौशल यादव उसके लिए अंकित सर ने वीडियो बना रखी है आप उस वीडियो को देखिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ठीक है भैया जी आप अभी मुझे आंसर बताइए तो बेटा अभी ये बैच किस चीज का चल रहा है यूपी ट्रिपल वीडियो का तो इसमें आप अगर इसी बैच की बात करो तो ज्यादा बेहतर है बाकी आपकी बात जायज है इस बात को मैं मान रहा हूं लेकिन बैच तो देखो किस चीज का है तो इसकी बात करो इसमें ठीक है ना चलो तो ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा यहां पर ध्यान से समझो आर कितने पर 18 पर एस उन्नीस पर टी बीस पर तो अब ये इक्कीस होगा और इक्कीस पर यू आएगा तो ऑप्शन डी सही होगा भाई ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नौवां सवाल बताओ भाई जल्दी से जल्दी से बताओ क्या होगा गुरु जी आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं वरना रिकॉर्डिंग ही देखता हूं आपसे मिलना है आप लीजेंड रीजनिंग के हो सर आप लाजवाब हो दीप गुजर बिजनौर से बहुत बहुत प्यार दीप भाई बहुत बहुत प्यार बताओ भाई इसका आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे तो मैंने कहा बी कितने पर दो पर पहला पहला लेटर देखना है बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो पहले इन तीनों लेटर को देखते हैं ऐसे थोड़े ही करना है ऐसे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और हो सकता है क्वेश्चन में आप फंसते भी चले जाओ लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है सबसे अच्छा तरीका ही ये है कि आप डायरेक्ट देखो बी दो पर ई पर एच आठ पर तो आठ और तीन ग्यारह ग्यारह पर के आएगा और भाई सब के आएगा शुरू में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो भाई बहुत अच्छी बात है बेटा जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना उनको यह पता होता है तो अभी यहां जैसे पुलकित क्या कह रहा है पुलकित कह रहा है जी के के बाद आर आएगा तुम्हें पता है यार ये वास्तविकता है कि वास्तव में इसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड बॉय क्योंकि इसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस बात पर तो मोहर लग चुकी है ठप्पा लग चुका है कि भैया आंसर तो कैसे ही शुरू होगा तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता इसका मतलब नहीं हो सकता अब यह आदमी दावे के साथ कह रहा है कि के के बाद आर आएगा और उसका कारण क्या है उसका कारण यह है उसका कारण यह है कि दोनों ऑप्शन में आर तो है ही है तो इसे पता है कि आर तो आना ही आना है इसे ही कहते हैं बहुत जबरदस्त टेक्नीशियन मैन है ना तो बेटा ये बीच वाले को चेक ही नहीं करता और यही कारण है कि जब ये पेपर देने जाता है तो इसके नंबर पता नहीं क्यों रीजनिंग में हमेशा पूरे आते हैं हमेशा इसके किसी भी एग्जाम में आज तक बैठा हमेशा इसके पूरे नंबर आते हैं रीजनिंग में और उसका कारण यही है कि ये रीजनिंग को बहुत ज्यादा ऑप्शनों को कम कर करके मतलब पता नहीं एक अलग तरीके से कई सारी चीजें मतलब नई ही मिलती है इसके पास में है ना तो अब ये कहना चाह रहा है कि मैं बीच वाले को फिर चेक ही क्यों करूं जब इससे यार आना ही आना है सही बात है अपना टाइम पर बच जाएगा और पेपर में टाइम बचाना बड़ी बात होती है बहुत बढ़िया बहुत शानदार तो मुझे लगता है पुलकित वाली ट्रिक को आप भी जल्दी से जल्दी अपनाएं बच्चे टाइम बचाना वास्तव में बड़ी बात है तो मैंने कहा यहां देखो एच कितने पर आठ पर एल बारह पर पी सोलह पर तो आठ चार बारह चार सोलह चार बीस पर टी आएगा सही है तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी बताओ भाई यहां तक बात क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज का अगला सवाल राजकुमार कह रहे हैं आप मेरा नाम नहीं लेते हैं राजकुमार आपका नाम भी ले लिया बताओ भाई जल्दी से जल्दी से बताओ आंसर आगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से बताएंगे एक बार स्पीड के साथ क्या जवाब होगा जल्दी से बताएंगे क्या होगा बताओ देखो ध्यान से बी दो पर डी चार पर एफ छ पर दो चार आठ पर क्या आएगा एच आएगा सर डी चार पर एच आठ पर एल बारह पर चार चार आठ चार बारह चार सोलह सोलह नंबर पर पी आएगा सर जी सात पर एम तेरह पर एस उन्नीस पर सात छ तेरह छह उन्नीस छह पच्चीस पच्चीस पर, पच्चीस पर पच्चीस पर वाई आएगा तो एच पी वाई कहाँ है ऑप्शन डी है यही क्वेश्चन का आंसर है बताओ भैया बात समझ में आई जल्दी से बताओ भैया यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है जल्दी से बताओ यहां तक समझ में बात आई है कि नहीं आई है ठीक है भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का अगला सवाल आज की क्लास का अगला सवाल आप लोगों के समक्ष बताओ इस प्रश्न का सटीक और सही जवाब क्या होगा बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा प्रश्न का जवाब जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब शुभम सिंह कह रहे हैं भैया भूल गए हो आप पुराने स्टूडेंट को दिल में जगह है तुम्हारी सुन रहे हो कैसे भूल जाएंगे कैसी बात करते हो बच्चों आप लोग हैं ऐसी बात मत किया करो शुभम भाई चलो आ जाओ जल्दी से देखो ध्यान से एम कितने पर तेरह पर पी कितने पर सोलह पर एस कितने पर उन्नीस पर कितना प्लस है तीन तीन प्लस है तेरह तीन सोलह तीन उन्नीस और उन्नीस और तीन बाईस और बाईस पर क्या आता है वी आता है बाईस पर वी आता है बहुत बढ़िया यहां देखो सी तीन पर डी चार पर ई पांच और तेरी ये तो बिल्कुल ही इसने तो बहुत आसान सवाल बना दिया यहां पे तो लगातार आगे बढ़ रहा है सी डी ई और अब एफ आएगा और यहां ई e, एफ जी और अब एच आएगा तो वी एफ एच आंसर बनेगा सर वी एफ एच आंसर बनेगा बहुत बढ़िया तरीके से आंसर बनाओ ऑप्शन डी बहुत, बहुत 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 प्यार आपके लिए राजकुमार भाई आगे बढ़ जाऊं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बहुत बढ़िया जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का अर्थात इस प्रश्न का जवाब क्या है जल्दी से बताओ जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए सिद्धांत नहीं क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं जड़ नहीं बहुत बढ़िया बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है बच्चे किसी आदमी ने कहा है किसी आदमी ने कहा है कि प्यारे दोस्तों फनों को कुचलने की फनों को कुचलने की हैसियत रखो क्योंकि क्योंकि सांपों के होने से जंगल नहीं छोड़ा करते बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या है तो मैंने कहा डी चार पर के ग्यारह पर आर अठारह पर चार सात ग्यारह सात अठारह अठारह सात पच्चीस पच्चीस पर वाई होगा पच्चीस पर वाई होगा बच्चे आगे देखो तो यहां देखो बी दो पर आई नौ पर पी सोलह पर दो सात नौ सात सोलह और सोलह और सात तेईस होगा तेईस पर डब्लू होगा तेईस पर डब्लू होगा ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार ठीक है तो आगे देखो ई कितने पर पांच पर एल बारह पर एस उन्नीस पर पांच सात बारह सात उन्नीस सात छब्बीस छब्बीस पर जेड होगा तो वाई वाई डब्ल्यू जेड वाई डब्ल्यू जेड आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है वाई डब्ल्यू जेड चलू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार एकदम बेहतरीन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने बताएंगे भाई जल्दी से क्या है सर जी पेट का सेंटर दूर बना है क्या करूं कोई ले जाने वाला नहीं है अकेले जाना पड़ेगा ओके ओके ये मजबूरी है भाई सेंटर तो दूर है इस समय कोई शक नहीं है लेकिन पेपर तो देने पड़ेंगे ना आपको पेपर देने पड़ेंगे आपको बताओ भाई क्वेश्चन का जवाब बताओ जल्दी से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस सवाल का राइट आंसर क्या है बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ कमेंट 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 चलो भाई चेक कर लेते हैं चेक कर लो एक बार तो D कितने पर चार पर G सात पर J दस पर चार तीन सात तीन दस और दस और तीन तेरह और तेरह नंबर पे M आएगा ठीक है आगे चेक करते हैं तो N चौदह पर P सोलह पर R अठारह पर चौदह सोलह अठारह तो अगला लेटर बीस आएगा और बीस पर क्या आएगा बीस पर T आएगा बीस पर T आएगा आगे देखो तो पी 16 पर आर 18 पर टी 20 पर 16 दो 18 दो 20 16 दो 18 दो 20 और 20 और दो 22 और 22 नंबर पे वी आएगा यानी एम टी वी एम वी ऑप्शन नंबर सी एम टी बी विवेक चौरसिया कह रहे हैं टी दोनों में है बिल्कुल सही बात है बच्चे बिल्कुल सही बात है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल बताओ आज की क्लास का अगला सवाल आप लोगों के सामने बता दो जवाब क्या होगा बता दो जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का कमेंट 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 कमेंट, कमेंट। बताओ भाई जल्दी से बताओ जल्दी से देखो ध्यान से बहुत आसान है मैंने कहा ए बी सी डी लिख दो मैंने कहा जी एच आई जे लिख दो मैंने कहा एम एन ओ पी लिख दो डी जे पी लगा दो ऑप्शन सी लगा दो ठीक है कितनी आसानी से हो रहा है ना बस आपको दो तो बातें याद होनी चाहिए पहली बात आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और दूसरी चीज यह है कि आप लोगों को इसके अलावा इसके अलावा क्या याद होना चाहिए बहुत बढ़िया सर आप सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छी कराते हो राजकुमार थैंक यू राजकुमार भाई सीजीएल की क्लास चलती है रात साढ़े आठ बजे बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रही है अभी दूसरा ही टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट का तो प्यारे दोस्तों आप टॉपिक वाइज चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं डॉक्टर भाई आज नाम नहीं ले पाऊंगा आज नहीं नाम ले पाऊंगा क्योंकि आज क्वेश्चन आसान है तो इसमें भी क्या कंपटीशन रखना ठीक है ना चलो चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज की क्लास का अगला सवाल मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बताओ भाई जल्दी से तो ध्यान से समझना ओ पी क्यू आएगा ओ पी क्यू आर आएगा ए बी सी डी आएगा बी सी डी ई आएगा तो क्यू आर डी ई बनेगा क्यू आर डी ई ऑप्शन नंबर तो आपके सवाल का आंसर है बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ भाई क्या बात क्लियर हुई यहां तक यहां तक बात सभी दोस्तों को क्लियर है समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आज की क्लास का सोलह सवाल आपके सामने बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा इस सवाल का बस जल्दी से बताओ क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन आपके सामने है कंपटीशन में सबसे बड़ी बात है कि आप जल्दी से आंसर कर रहे हैं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ सर मैं क्या करूं कैसे सेंटर खोजूंगा बेटा ये तो सबके लिए दिक्कत है सेंटर कोई अपने गांव में थोड़े ही है कि आपको रटे पड़े कि जी रामपाल के घर सेंटर है ए बेटा सेंटर तो खोज नहीं पड़ेंगे कि जी मैं परेशान हूं बेटा परेशान थी तो सब को ही है सेंटर तो किसी के गांव में नहीं है रामपाल के घर में थोड़े ही है सेंटर एग्जाम का सेंटर तो दूर ही है ना तो वो तो खोजना ही पड़ेगा बच्चे चलो भाई जल्दी से जल्दी से बता दो क्वेश्चन का जवाब क्या है कभी कभी ऐसी बात करते हो आप लोग यू कह रहा है जी सेंटर कैसे खोजूंगा मैं परेशान हूं बेटा चलो भाई ध्यान से देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है तो मैंने क्या कहा मैंने क्वेश्चन में यहां पर कहा कि के ग्यारह पर एम तेरह पर ओ पंद्रह पर तो ग्यारह दो तेरह दो पंद्रह और पंद्रह और दो सत्रह एंड सत्रह पर क्यू हो जाएगा एंड सत्रह पर क्यू हो जाएगा ठीक है भाई आगे देखो तो डी चार पर जी सात पर जे दस पर चार तीन सात तीन दस तीन तेरह है, तेरह पर एम आएगा डब्लू तेईस पर टी बीस पर क्यू सत्रह पर तो तेईस में से तीन कम बीस बीस में से तीन कम सत्रह सत्रह में से तीन कम चौदह और चौदह पर एन आएगा तो क्यू एम एन आंसर बनेगा क्यू एम एन ऑप्शन डी क्यू एम एन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर नेक्स्ट चले अगले सवाल पर आज का सत्रहवा सवाल देख रहे हो कितना आसान है बहुत आसान है इसे आप खुद भी कर सकते थे लेकिन लेकिन यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया उनको नहीं आता समझ में तो उनको मैं करा रहा हूं सिखा रहा हूं कि आप लोग कैसे कर सकते हो जल्दी से बताओ जल्दी 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 बताओ इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या होगा पी यू डी आंसर आ रहा है सबका डी आंसर भी आ रहा है एक दो लोगों का सुमन यादव का आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं आप अच्छा वो पिछले क्वेश्चन का बता रहे हैं ठीक है तो यहां देखो एन चौदह पर पी सोलह पर आर अठारह पर चौदह सोलह अठारह तो अगला बीस होगा और बीस पर टी आएगा आगे देखो ओ पंद्रह पर क्यू सत्रह पर एस उन्नीस पर पंद्रह दो सत्रह दो उन्नीस उन्नीस दो इक्कीस इक्कीस पर यू आएगा ए बी सी डी अगला क्या आएगा डी आएगा तो इसका मतलब यह है कि टी यू डी आंसर होगा क्योंकि मुझे पता है ए के बाद बी बी के बाद सी सी के बाद डी आएगा तो टी यू डी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत शानदार चलो तो अब एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो क्लास को एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो सभी लोग कर दो एक बार क्लास को लाइक जल्दी से जितने लोगों ने लाइक नहीं किया ऐसे क्यों करते हो भाई ऐसे क्यों करते हो लाइक भी जल्दी जल्दी कर दिया करो ठीक है चलो चले अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट आज का अगला सवाल बताओ जल्दी से बताओ आज का अगला सवाल क्या होगा जल्दी से बताओ आज की क्लास का अगला सवाल का आंसर क्या होगा बताए नहीं भाई जल्दी से जल्दी से बता दो क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का करो जल्दी से देखो रोहित कह रहा है क्या हाल है अंशु बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया तुमने हाल पूछ लिया अब तो हाल ठीक हो गए होंगे ना उसके बेटा तुम तो जैसा महान आदमी किसी के हाल पूछ ले तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना आदमी को चलो भाई जल्दी से आओ तो D चार पर H आठ पर L बार है पर तो चार आठ बार है फिर सोलह सोलह पर P I नौ पर M तेरह पर Q सत्रह पर तो नौ चार तेरह चार सत्रह और सत्रह चार इक्कीस नंबर पर U आएगा है ना इक्कीस नंबर पर U आएगा बी दो पर एफ छह पर जे दस पर तो दस चार चौदह पर एन आएगा देन ऑप्शन डी देन पी यू एन ऑप्शन डी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक इसका आ रहा है पुनीत कुमार क्यों ए बता रहे हो गुड्डा पुनीत कुमार जितेंद्र कुमार क्यों बता रहे हो ए क्यों बता रहे हो इसका तो डी आंसर है सब लोग डी बता रहे हैं आप गलत क्यों बता रहे हो एक दो बच्चे अगर गलत बता रहे हैं तो ऐसे मत किया करो है ना सबका ये तो बहुत आराम से कर रहे हैं ठीक है भाई डॉक्टर कह रहे हैं आज तो सारे ही सही जा रहे हैं <laughs> आज हैवी तो आसान मामला क्यों भैया हैवी तो आसान मामला नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब क्या है जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ जल्दी से सही जवाब क्या होगा बताओ भाई जल्दी से जल्दी से बताओ महेश कुमार कह रहे हैं सॉम्पल है बेटा वो सॉम्पल ना हो वो सिंपल हो गए बेटा वो सिंपल होता है सॉम्पल नहीं होता कैसी कैसी बात करते हो तुम लोग सोम्पल लिख रहा है सिंपल के लिए है टसन में छोड़ा बताओ जल्दी ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो मैंने क्या कहा यहां पर देखो ध्यान से डी कितने पर है चार पर है के कितने पर ग्यारह पर वाई कितने पर पच्चीस पर ध्यान से समझना यानी जो इस बार क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क बीच में है क्वेश्चन मार्क कहा है? इस बार क्वेश्चन मार्क बीच में है तो मैंने कहा चार सात ग्यारह है और फिर ग्यारह और सात अठारह होगा कि नहीं बीच में अठारह वाला आएगा और अठारह पर क्या होता है अठारह पर आर होता है अठारह पर आर होता है हिमांशु वर्मा यू आर मै बेस्ट टीचर इन माई लाइफ थैंक यू हिमांशु थैंक यू वेरी मच थैंक यू देखो यहां देखो एफ पर एम तेरह पर और ए कितने पर सत्ताइस मान लेता हूं मैं ए को कोई दिक्कत नहीं है भाई एक्चुअल में आता कितने पर है एक पर आता है लेकिन छब्बीस से एक ज्यादा हो जाता है ठीक है बच्चे अब यहां पर ध्यान से समझो तो यह छह सात तेरह सात बीस यानी सात सात प्लस हो रहा है तो यहां देखो अब ये तेरह सात बीस वाला आना चाहिए कि नहीं यानी बीस पर टी आता है तो आर के बाद जो आना चाहिए उसका मैं डी बताऊंगा ठीक है भाई चलो आगे ध्यान से समझो तो I नौ पर है P सोलह पर है और D कितने पर है छब्बीस सात तेतीस पर ठीक है भाई नहीं छब्बीस चार तीस पर D चार पे आता है ना तो चार जोड़ो छब्बीस चार तीस तो ये क्या नौ साथ सोले, साथ साथ आएगा नौ सात सोलह सात तेईस सात तीस यानी तेईस आएगा ट्वेंटी थ्री और तेईस का मतलब डब्ल्यू आएगा तो आर टी डब्ल्यू ऑप्शन बी तो आर टी डब्ल्यू बनेगा आर टी डब्ल्यू यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है भाई रवि चौधरी कह रहे हैं सर यूपी पुलिस का बैच कब आएगा रवि भाई भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं ये भी कि सर यूपी पुलिस का बैच कब आएगा तो मैं आपको एक बात बताता हूं मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर मैं आप लोगों से मैं आप लोगों से ये बोलूं ना कि भाई यूपी पुलिस का बैच कब आएगा तो मेरे दोस्त यूपी पुलिस का एक बैच हमारा आया था खाकी बैच सही है खाकी बैच आज भी आपके लिए है आज भी आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं अब सवाल उठता है सर नया बैच कब आएगा सर वो तो पुराना हो गया तो मेरे दोस्त उसे लेने में आज भी बहुत फायदा है क्यों क्योंकि जब आप नया बैच लेंगे तो वो कब आएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा भर्ती आने पे आएगा और मेरे दोस्त अगर आप खाकी बैच को पहले को लेंगे तो जब तक आप एक बार रिवीजन भी बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे और जब नया बैच हमारा आएगा तो पता है आरडब्ल्यू टीम की खास बात क्या है और मैं कह रहा हूं यूट्यूब जगत में केवल आरडब्ल्यू टीम की ही खास बात है कि पहला बैच जो बच्चा ले लेता है दूसरा बैच उस बच्चे को फ्री मिलता है तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई सर ये तो सर हम अगर दूसरे बैच में फ्री हैं तो इसका मतलब कैसे पहले बैच से तो आप पहला बैच बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से जल्दी ले लो ताकि आपकी पेपर तक ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हो जाए आप बढ़िया तरीके से तब तक तैयारी भी कर लें और आपको दूसरा बैच फ्री भी मिल जाए तो दूसरा बैच आपको फ्री मिलेगा इसलिए प्यारे दोस्तों बिल्कुल लेट मत करो आज ही फोन उठाइए और कॉलिंग टीम के पास फोन कर लीजिए ठीक है ना <laughs> भानु ये कमेंट इसे यार एक बार हटा दे ये बच्चा क्या कह रहा है पता नहीं चल रहा है इसकी है ना ये बच्चा एक बच्चा है पता नहीं इसकी समझ में ही नहीं आ रही कभी जी मेरा सेंटर दूर है कभी कुछ बेटा मैंने बताया तो है सेंटर सबके दूर है ठीक है ना चलो तो मैंने कहा कि आपके लिए दूसरा बैच रहेगा फोन उठाइए और आराम से हमारी कॉलिंग टीम के पास फोन कीजिए वो आपकी पूरी मदद करेंगे बैच को लेवाने में ठीक है ना बहुत बढ़िया चले भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने बताओ चार चार लेटर हैं इसके अंदर इसके अंदर चार चार लेटर हैं क्या जवाब होगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से बताओ आंसर क्या है देखो भाई ध्यान से देखो ध्यान से तो यह एच है आई है जे के एल अब एम हो जाएगा ठीक है आगे देखो आई जे के एल एम अब एन हो जाएगा आई जे के एल एम अब एन हो जाएगा जे के एल एम एन अब ओ हो जाएगा यानी एम एन एन ओ बनेगा डी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई एदल सिंह आकाश महेंद्र मोनू साधना रोहित सुमन हेमा प्रजापति संध्या नागर, निशा तिवारी बहुत बढ़िया सबका ठीक है सबका ठीक है ठीक है भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलू चलो आज की क्लास का अगला सवाल बहुत बढ़िया राजकुमार तुम्हारा भी ठीक है भाई बताओ भाई जल्दी से डॉक्टर बिल्कुल ठीक है आपका भी बताओ बताओ जल्दी से जवाब क्या है जल्दी बताओ मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बोर्ड पर आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है आपके सामने मुझे जवाब बताओ क्या होगा इस प्रश्न का जवाब बताओ क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब जल्दी से बता दो क्वेश्चन का जवाब तो क्या कह रहा है सर यहां पर देखो ये नंबर है चार ये आठ है यानी चार का अंतर है पानी <coughs> 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 ठीक है इसमें <coughs> सॉरी भाई सॉरी 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 ठीक है देखो चार आठ फिर पांच का अंतर है तेरह फिर छह का अंतर है यानी कि उन्नीस चार उन्नीस और, और सात कितना छब्बीस हो जाएगा ठीक है ना भाई उन्नीस और सात छब्बीस हो जाएगा यहां देखो तो यहां ई कितने पर पांच पर आई नौ पर एन चौदह पर टीबी पर ध्यान से समझना पांच चार नौ फिर नौ पांच चौदह फिर चौदह छह बीस तो अब कितने का छह का अब सात का अंतर निकालो तो यहां पर बीस और सात सत्ताईस होगा और सत्ताईस का मतलब होता है ए सत्ताईस का मतलब क्या होता है सत्ताईस का मतलब हमेशा ए होता है क्योंकि छब्बीस के बाद सत्ताईस एक ज्यादा होता है तो छब्बीस ए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा नेक्स्ट आज का अगला सवाल बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ सभी प्यारे प्यारे दोस्त प्यारे प्यारे भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या है जल्दी से बता दो कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताओ भाई जल्दी से बताओ भाई जल्दी से क्या होगा जवाब जल्दी से बताओ ऐसे काम नहीं चलने वाला देखो ध्यान से मैंने कहा ए कितने पर एक पर जी कितने पर सात पर और एम कितने पर तेरह पर तो एक और छह सात और छह तेरह और तेरह और छह उन्नीस और उन्नीस पर क्या आएगा उन्नीस पर एस आएगा ठीक है भाई आगे ध्यान से देखना सर टाइम गलत सो हो रहा है हाँ टाइम गलत सो हो रहा है इसमें टाइम थोड़ा सा गलत आ रहा है कोई बात नहीं है बेटा ऐसा हो जाता है कभी कभी ठीक है फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं ग्यारह बज के उन्नीस मिनट हुई हैं यो मत सोचियो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ ग्यारह बज के अब बीस मिनट हो रही है है ना दिन के और तेरह तारीख है अक्टूबर का महीना चल रहा है दो है दिन कौन सा है आज भानु आज बृहस्पतिवार का दिन है बेटा और मैं संदीप चौधरी तुम्हें पढ़ा रहा हूं रीजनिंग टाइम <laughs> से ही कभी अपने आपे ही डिसाइड कर लो कि जी टाइम गलत आ रहा है तो रिकॉर्डिंग क्लास हो गई नहीं बिल्कुल सब कुछ ओके है ना ऐसे ही है ना ठीक है चलो ध्यान से सुनो तो मैंने कहा एक छह सात छह तेरह छीस पर एस तो सी कितने पर तीन पर आई नौ पर ओ पंद्रह पर तो तीन छह नौ छ पंद्रह और पंद्रह छह इक्कीस और इक्कीस नंबर पर यू आएगा इक्कीस नंबर पर यू आएगा चंदन सिंह कह रहे हैं भैया जी हमें टाइम आउट क्यों किए हैं <laughs> फालतू कमेंट कर रहा था ये ज्यादा कमेंट कर दी थी भाई तुमने अब नहीं करेंगे ठीक है अपनी कमेंटों का भी ध्यान रखा करो बच्चे ज्यादा कमेंट मत किया करो कॉपी पेस्ट मत किया करो चलो भाई आगे देखो तो ई कितने पर पांच पर आई नौ पर एम तेरह पर तो पांच चार नौ चार तेरह और तेरह चार सत्रह सत्रह पर क्यू आएगा यानी एस यू क्यू ऑप्शन नंबर सी एस यू क्यू ऑप्शन नंबर सी बताओ भाई जल्दी से बात क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास का चौबीसवा सवाल बताएंगे सभी प्यारे दोस्त जवाब क्या है सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन का सही सही जवाब क्या है इसका ये तो बहुत आराम से कर सकते हो तुम लोग है ना बहुत आराम से कर सकते हो मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये बहुत आसान है चलो बताओ भाई जल्दी से चौबीसवें सवाल का तो देखो ए बी सी अब डी आएगा बी सी डी अब ई e, आएगा सी डी e, अब एफ आएगा तो डी ई एफ ही तो जवाब बनेगा बी ऑप्शन क्यों भैया डी ई e, एफ ही तो जवाब बनेगा बी ऑप्शन बात बताओ क्लियर है जल्दी से बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है या किसी को कोई रत्ती भर डाउट है ठीक है चलो नेक्स्ट अगला सवाल बताओ पच्चीसवें क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करके बताओ पच्चीसवें क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बता दो पच्चीसवें क्वेश्चन का सही सही जवाब क्या है बहुत बढ़िया जल्दी बताओ बिल्कुल विशाल दुबे कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं आप समझदार बच्चे हैं ऐसे क्यों करते हैं चलो भाई क्वेश्चन पूछने पर भी कर देते हैं बेटा बार बार मत किया करो कमेंट अगर आपका क्वेश्चन लगता है कि जायज है तो उसका जवाब ये बता देते हैं ठीक है ना चलो बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ क्वेश्चन का सही सही जवाब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो X कितने पर है 24 पर है U कितने पर है 21 पर और R कितने पर है 18 पर यानी 24 से 3 कम 21, 21 से 3 कम 18 तो 18 से 3 कम 15 और 15 पर क्या हो जाएगा O हो जाएगा पंद्रह पर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा यहां तक बात क्लियर हुई आगे समझो वाई पच्चीस पर है वी बाईस पर है एस उन्नीस पर है पच्चीस से बाईस पच्चीस से बाईस यानी कि तीन कम बाईस से उन्नीस तीन कम और उन्नीस से तीन कम तो सोलह सोलह पर पी होगा अब लास्ट वाले अक्षर को और देखो जेड छब्बीस पर डब्ल्यू तेईस पर टी बीस पर तो यहां छब्बीस से तीन कम तेईस तेईस से तीन कम बीस बीस से तीन कम सत्रह एंड सत्रह पर क्या होगा क्यू होगा यानी ओपी क्यू जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब है बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या यहां तक की बात एकदम क्लियर है क्या समझ में आई है उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े तो आज की क्लास का अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चे बताओ इसका जवाब क्या है जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी बताओ जल्दी जल्दी से बताओ लॉजिक क्या होगा क्या सही जवाब होगा कमेंट 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 जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का बताओ जल्दी से बताओ भाई जल्दी से क्या होगा सही जवाब जल्दी 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 देखो यहां पर देखो ए जेड आज हो गया ए जेड क्या हो गया आज हो गया यानी अपोजिट बी का अपोजिट वाई हो गया खिड़की से बाय तो बताई थी मैंने सी का अपोजिट एक्स हो गया डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये होगा कि भाई जो दो अपोजिट होंगे वो आंसर हो जाएगा तो एफ और बी तो अपोजिट है ही नहीं एफ का अपोजिट तो यू होता है एफ का अपोजिट तो यू होता है तो ये तो नहीं हो सकता सर सबसे नीचे ई e का अपोजिट यू लिख रहा है सर ई e का तो वी होता है सर ये भी नहीं हो सकता सर जी का यहां यू लिख रहा है जी का अपोजिट तो टी होता है सर ये भी नहीं हो सकता भाई जी का टी जी टी रोटी तो होता है यही तो पढ़ाया आपने तो सर यहां जवाब कौन होगा ई e का वी होगा सर जवाब कौन होगा ई e का वी होगा बच्चे बहुत शानदार बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे यानी आपको बस प्लेस वैल्यू और आपको अपोजिट याद होने चाहिए इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपोजिट याद होनी चाहिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए बाकी तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका यही है क्वेश्चन को करने का ठीक है भाई चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार अब अभिषेक सिंह थोड़ी सी ट्रिक भी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है यही बताया मैंने चलो तो जल्दी बताओ क्या इन्हें कर लोगे अब 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 मेरी मेरी बात बात ध्यान 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 से 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 सुनो सुनो बच्चे मेरे भाई ध्यान बताना तुम में कितने लोगों का पैट का भी एग्जाम है एक बार करना तुम में से कितने लोगों का पैट का एग्जाम है एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया हाँ हमारा पैट का एग्जाम है ठीक है तो मुझे लगता है होगा एग्जाम तो खैर डॉक्टर बता रहे हैं जयविंद बता रहे हैं रोहित है ना चंदन सिंह दीपक गुजर की लाडली अंशु बहुत बढ़िया वाह बहुत लोगों का एग्जाम है बहुत लोगों का एग्जाम है पेट का है ना पेट के लिए बहुत सारे लोग थम्सअप कर रहे हैं कि भैया हमारा एग्जाम है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए बहुत बहुत प्यार है आपके लिए क्वेश्चन में पांच नंबर आएंगे रीजनिंग के तो आप करके आओगे उन्हें तो मुझे पढ़ाता है भरोसा है विश्वास है आपके ऊपर बहुत बढ़िया पूरी क्लास नहीं थम्सअप कर दिया है पूरी क्लास कोई का पेपर है अरे वाह बहुत बढ़िया दिल से बहुत बहुत प्यार आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा जो आपने पढ़ाई करी है ना वो शानदार तरीके से बच्चे बाकी ये चैप्टर बहुत आसान था मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं तो इससे ज़्यादा इसे पढ़ाना भी बेकार है तो आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रखी जाएगी जिससे कि हमारा टॉपिक भी कवर हो गया और जिनका पैट का एग्जाम है वो अपनी पैट की भी तैयारी साथ के साथ कर रहे होंगे ठीक है तो ये बिल्कुल कंप्लीट होता है सभी प्यारे दोस्तों आज की क्लास भी यहीं कंप्लीट करते हैं आज की क्लास सर क्यों कंप्लीट कर रहे हैं हम जल्दी लगभग एक घंटे से भी क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट है ये बच्चे यानी दो बातें आपको ध्यान रखनी है प्लेस वैल्यू और आपको अपोजिट और हाँ गैप कितने कितने का है कितना कितना डिफरेंस जा रहा है उन चीज़ों का ध्यान रखना है बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से नए टॉपिक के साथ ठीक है ना चलो बाकी जय हिंद जय भारत बाय बाय